ये ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने जितनी सीटें हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। उसमें निश्चित रूप से जहां कहीं हमारी सरकारें हैं उन सरकारों के प्रति भी, क्योंकि सामान्यतः प्रदेश सरकार के जब 4.5 साल हो जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखने को मिली नहीं है। उसमें भी हमने जो नीतियां केंद्र की हैं उन नीतियों को फॉलो करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सिद्धांत हैं, अमित शाह जी के जो सिद्धांत हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो हमारी टीम है नेता हैं उनके सब सिद्धांत उसी हिसाब से प्रदेशों में भी उन्होंने काम किया। चाहे पारदर्शिता की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो, चाहे सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं इनको डोर डिलीवरी इनको घर तक पहुंचाने की बात ये हमने की है, जिसका हमको निरंतर लाभ मिला है। दोनों है हमारा इसमें पॉजिटिव पक्ष, और विपक्ष के पास कुछ बताने लायक नहीं। जो उनके समय की एंटी इनकम्बेंसी आज भी उनको तंग कर रही है, तो इस नाते से हमारी जीत हुई है। ये एक ऐतिहासिक जनादेश, इसको मैं सलाम करता हूं। और निश्चित रूप से जहां ईमानदारी और राष्ट्रवाद इसकी जीत हुई है, वहां जोड़ तोड़ की राजनीति की हार हुई है, वंशवाद की हार हुई है। जिस वंशवाद को 2014 में खत्म करने के लिए पहला पद था, उस समय में सफलता मिली थी, लेकिन अब 2019 में उसी बात को जनता ने एक प्रकार से स्वीकार किया है कि अब इस देश में कोई वंशवाद की राजनीति आगे नहीं चलेगी। क्षेत्रवाद के ऊपर भी एक चोट मारी गई है, क्योंकि हरियाणा में खास करके कहा जाता था कि एरिया फला नेता का गढ़ है, ये एरिया फला नेता का गढ़ है। जितने भी गढ़ माने जाते थे वो सब गढ़ को तोड़ करके और समान विकास के नाते हरियाणा में और हरियाणा की पूरी जनता ने, कोई लोगों ने जातिवाद के नाते से कुछ विषय खड़े करने की कोशिश की, लेकिन हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक